साथी संदीप चोपड़ा ने जिम्मेदारी दी है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। मैं संक्षिप्त में ऑर्गेनाइजेशन की बात रखना चाहूँगा। 2006 के अंदर जब देश के अंदर आरक्षण विरोध की मुहिम चल रही थी, एक ऑर्गेनाइजेशन यूथ फॉर इक्वालिटी आरक्षण विरोध की मुहिम पर काम कर रहा था और जगह जगह गैर तार्किक रूप से आरक्षण के बारे में बात बता रहा था। तो उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हम कुछ स्टूडेंट्स और हमारे प्रोफेसर्स ने मिलकर एक मुहिम चलाई, सामाजिक न्याय की बात रखी। तब उनको काउंटर करने के लिए 2006 के अंदर यूथ फॉर सोशल जस्टिस का निर्माण किया गया। तब से लेकर अब तक हम अपने बहुजन नायक नायिकाओं के विचारधाराओं से प्रेरित होकर युवाओं के बीच अपने उन विचारधारा का प्रसार कर रहे हैं और विश्वविद्यालय के अंदर सामाजिक न्याय की मुहिम जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी है, सिलेबस के द्वारा उतना उनको बताया नहीं जा रहा है। तो एक हमारी कोशिश इस संगठन के माध्यम से और विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, मैम हैं, उन सब के माध्यम से हमने ये कोशिश करी। तो उसी की शुरुआत यूथ फॉर सोशल जस्टिस 2006 से शुरू होती है। तब से लेकर अब तक हम युवाओं के लिए जो भी सामाजिक न्याय की समस्या यहाँ पर आती रही उनके लिए हम प्रयासरत रहे और शुरुआत से ही हम विद्यार्थियों के बीच में रहे। 2007 के अंदर हमने यहाँ पर अपने स्टॉल लगाने स्टार्ट किए विद्यार्थियों के। पहले यहाँ पर अलग अलग चार स्टॉल लगा करते थे, पूरी दिल्ली के अंदर चार सेंटर हुआ करते थे। तो हमने चारों सेंटर पर हमारी यूथ फॉर सोशल जस्टिस टीम बैठा करती थी। एडमिशन प्रोसेसर लेकर अन्य प्रोसीजर, आपका फेलोशिप, अन्य जो भी समस्याएं हैं विद्यार्थियों की जो भी आती थी उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते थे। उसी के तहत आज हम ये 13वां साल हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हो चुका है और ये 10वां ओरिएंटेशन हम कर रहे हैं। ओरिएंटेशन कार्यक्रम की शुरुआत हमने 2010 से शुरुआत करी थी, जो कि इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बाकी हमारा ऑर्गेनाइजेशन 2006 से काम कर रहा है। तब से लेकर अब तक हम विश्वविद्यालय के अंदर एक कोशिश है हमारी कि हम जो एक गैप है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का गैप जो खाली है उसे भरने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने बात करी, यहाँ पर काफ़ी प्रोफेसर्स हैं, मैम हैं, जो विद्यार्थियों की समस्याओं को देखना चाहते हैं, उनको सॉल्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं विद्यार्थी उनको मिल नहीं पाते और कहीं जो टीचर जो स्टूडेंट हैं वो टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाते। उसी के छोटा सा प्रयास यूथ फॉर सोशल जस्टिस उनके कनेक्टिविटी करवाने की कोशिश, और जो दूसरा जो सोशल जस्टिस की विचारधारा को लेकर इस समाज के अंदर, भारत देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर नायक नायिका जो थे उनको युवाओं के बीच में लाने की कोशिश यूथ फॉर सोशल जस्टिस रही है और ये उसी का प्रयास है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।